हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं कच्चे पपीते की सूखी सब्जी। तो मैंने ये लगभग 500 ग्राम मैंने ये पपीता लिया है, तो इसे छील के कट कर लेते हैं। तो मैंने रख दिया है पैन, और उसमें 3 से 4 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। फ्रेंड्स, मैं इसे सैलो फ्राई कर रही हूँ, और सैलो फ्राई करने से ये जो कच्चा पपीता है ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, और जो पपीते की थोड़ी सी स्मेल है, कच्चापन, वो थोड़ा निकल जाएगा। तो मैं इसे सैलो फ्राई कर लेती हूँ। पपीते की सूखी सब्जी फ्रेंड्स, कच्चे पपीते की, बहुत टेस्टी बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इस तरह से हम इसे जब सैलो फ्राई कर लेंगे तो इसमें बड़ी अच्छा टेस्ट आएगा, और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा, पपीते का थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसे हम इस तरह से उलट पुलट करते हुए चारों तरफ से अच्छे से सैलो फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पपीते हमारे अच्छे से कलर आ गया है, और काफ़ी सॉफ्ट भी हो गए हैं पपीते। तो बस बाकी हम मसालों के साथ पकाएंगे। तो इन्हें निकाल लेते हैं बर्तन में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें बढ़िया कलर आया है, और बस इन्हें मैंने निकाल दिया है। अब इसका मसाला तैयार करते हैं। तो मैंने वो पैन लिया था, उसमें थोड़ा सा ऑयल बच गया है। बस अब इसमें डाल देंगे हम जीरा, और जीरे को चटकने दें, और अब डाल देंगे हम ये एक तेज पत्ता, और 3 से 4 ये लौंग है, और बस इसे भी भून लेते हैं। अब ये कट की हुई मैं प्याज डाल देती हूँ, और प्याज में अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक हम इसे भूनेंगे, थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हो जाए। अब इसमें डाल देंगे एक टमाटर कट किया हुआ, और 3 से ये 4 मैंने हरी मिर्ची ली थी, जिसे मैंने लंबा कट कर लिया है। मैं इस सब्जी को थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालें जैसा भी आप पसंद करते हो, लेकिन ये थोड़ी सी तीखी सब्जी बहुत बढ़िया लगती है पपीते की। तो बस मैं इसे थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब तक पका लेते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें मसाले भी डाल देते हैं। तो मैंने ये लिया है 1 चम्मच ये कूटा हुआ धनिया पाउडर, मैंने इसे घर पे ही कूटा था, इसलिए थोड़ा सा मोटा मोटा लग रहा है, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। और अब इसमें जाएगी ये लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, और थोड़ा सा गर्म मसाला भी डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच। हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच, और इन सारी चीज़ों को हम फ्लेम को स्लो कर दें और इसके साथ भून लेंगे। इसी के साथ हम थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच पानी इसमें ऐड कर देंगे, जो मसाले हैं हमारे अच्छे से भुन जाएं और टमाटर भी गल जाएं। तब तक हम इसे इस तरह से चलाते हुए, मसाला भुन गया है तो अब इसमें ये पपीते डाल देते हैं फ्रेंड्स, और इसे मसालों के साथ अच्छे से चलाते हुए हम मिक्स कर देंगे। तो काफ़ी जल्दी बन जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पपीते पहले से ही हमने सैलो फ्राई कर लिए थे, और टेस्ट तो इसका बहुत ही लाजवाब है। इस तरह से हम इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा टेस्ट हिसाब से नमक डाल देंगे, थोड़ा सा ही डालें, और बस मिक्स कर लें, और धीरे से हम इसे पकने देते हैं। और इसी के साथ हम डाल देंगे थोड़ा सा ये कस्तूरी मेथी, अच्छी सी खुशबू आएगी इससे, इसमें ऐड करके, और बस इसे ढक के स्लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए मसालों के साथ हम इसे पकने देते हैं। बस इसमें डाल देंगे हरा धनिया, और गैस को हम बंद कर देंगे और इसे निकाल लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, कच्चे पपीते की सब्जी, सूखी सब्जी, चटपटी, मसालेदार। ये आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके, लाइक करके, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।